हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बता दो सिंह राजपूत में। आज 28 अप्रैल 2019 की सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और महंगाई भत्ते में करेगी बढ़ोतरी। सातवें वेतन आयोग के तहत एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सरकार जो है कर्मचारियों के वेतन में और उनके DNS अलाउंसेस में, उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को भी, जो आपको दिख रहा है, इसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितने भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस खबर पर, उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 सेकेंड का। देखिए सामने, सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों के वेतन और DMA हो सकती है वृद्धि। पूरी न्यूज़ दी जाएगी आपको। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उनके वेतन और DO में बढ़ोतरी हो सकती है। इन कर्मचारियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सहित कई सुरक्षा बल शामिल हैं। वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन पदोन्नति में बढ़ोतरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 लाख केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF भारत के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए मंजूरी दे सकता है। वहीं तिब्बती सीमा पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB के सैनिक, हजारों भारतीय रेलवे कर्मचारी और 500 भारतीय दूरसंचार सेवा ITS अधिकारी, जो मूल रूप से दूरसंचार विभाग DOT के हैं और BSNL के कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय को बात करते हुए वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के राशन के पैसे की छूट और DA की मांगों की समीक्षा करेगा। वहीं सातवें वेतन आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक बार के प्रोत्साहन की घोषणा की है, जो नौकरी के दौरान एक उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करेंगे, जिसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MOPPP के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने घोषणा की कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी एक मुश्त राशि के रूप में 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए उच्च योग्यता हासिल करेंगे और उनको पैसे भी मिले करेंगे। अब भारतीय रेलवे बोर्ड ने नवीनतम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 3 पदों को एक में विलय करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे के नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारतीय बोर्ड अब टिकटिंग स्टाफ TC, वाणिज्य क्लर्क CC और पुस्तक कम कमर्शियल क्लर्क ECRC को नियुक्त करने के लिए केवल एक परीक्षा आयोजित करेगी। यानी इसमें 4 से 5 अलग है न्यूज़ है। इसमें जो जितने भी केंद्र के जितने भी सुरक्षा बल है उन सबको जो भी उनका उनके वेतन में उनके DA में बढ़ोतरी करने के जा रही है। इसके अलावा जो भी आप अगर हायर एजुकेशन एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक पैसा मिलेगा। वहीं रेलवे ने 3 पदों को एक साथ जो है एग्जाम कराने की बात की है। इसमें कई सारे न्यूज़ हैं, तो आपने वीडियो देख लिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।